दिल्ली एनसीआर के ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के शहरों से यूपी के शहरों के साथ बिहार के शहरों में भी ट्रेनों के जरिए सफर करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी 29 मार्च तक कई यूपी से आने और दिल्ली से यूपी जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही बाधित रहेगी। भारतीय रेलवे द्वारा मुहैया कराई गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक झांसी तथा समस्तीपुर मंडल में नॉन इंटरलिंकिंग कार्य के चलते ट्रेनों की आवाजाही बाधित रहेगी। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त करने का भी फैसला लिया गया है। कुछ के मार्ग में बदलाव किया गया है, जिसका असर दिल्ली के यात्रियों पर भी पड़ेगा। 25 मार्च को चलने वाली नई दिल्ली वीरांगना लक्ष्मीबाई ताज एक्सप्रेस आगरा छावनी तक चलेगी। आगरा छावनी से वीरांगना लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी के बीच ये ट्रेन निरस्त रहेगी, आंशिक रूप से रद्द रहेगी। वहीं 24 से 29 मार्च तक आनंद विहार टर्मिनल से रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस नरकटिया सिकटा होकर चलेगी। यात्रियों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के द्वारा 23 से 25 मार्च तक पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस को मार्ग में 100 मिनट तक रोक कर चलाया जाएगा। 25 मार्च को कन्याकुमारी हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को मार्ग में 150 मिनट रोक कर चलाया जाएगा। इसी तरह से मदुरई चंडीगढ़ एक्सप्रेस को मार्ग में 50 मिनट रोक कर रवाना किया जाएगा, तो वहीं कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को 160 मिनट रोक कर चलाया जाना है। 25 मार्च को चलने वाली 15653 यानी कि गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस मार्ग में 150 मिनट तक रोक कर चलाई जाएगी। बता दें कि होली के त्योहार के बाद अन्य राज्यों से दिल्ली लौटने के लिए ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। हालांकि होली पर यात्रियों के कारण ट्रेनों में काफी भीड़ थी, लेकिन अब जब त्योहार खत्म हो चुका है तो ट्रेनों में भीड़ भी कम नजर आ रही है। ऐसा होली पर दिल्ली वापसी के लिए विशेष ट्रेनों के परिचालन के चलते हुआ है, लेकिन इन सभी चीजों में बिहार के उन यात्रियों को भी ध्यान देने की जरूरत है जो बिहार से दूसरे शहरों में जाने की सोच रहे हैं या फिर फिलहाल जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि बिहार के शहरों में भी ट्रेनों के जरिए सफर करने की अगर आप सोच रहे हैं तो आगामी 29 मार्च तक ये सूची आप देख लीजिए जो कि हम आपको बता रहे हैं। और इस सूची के अनुसार जिन ट्रेनों का नाम हमने आपको बताया है उन ट्रेनों में तय आपको करना है कि आपको किस ट्रेन की सवारी करनी है या किस ट्रेन की यात्रा करने की सोच रहे हैं। अगर आपने ये खबर सुन ली है या देख लिया है तो आप अपने हिसाब से उस ट्रेन का चयन करें और उस तारीख का चयन करें जिस पर आप आराम से सफर कर सकते हैं। बहरहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।